विश्वामित्र ये कठोर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं मेनका। यदि इनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम मेरा अभिप्राय समझ रही हो ना मेनका? मुझे क्या करना होगा देवराज? मेनका, विश्वामित्र को अपने रूप लावण्य के माया जाल में फंसाना होगा। अपने सुंदर हाव भाव से नृत्य दिखाकर उसे मुग्ध एवं मोहित करना होगा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। आप निश्चिंत रहे देवराज, मुझे अपने सन्मुख और समीप पाकर विश्वामित्र अधिक समय तक तपस्या नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा, प्रणाम। आपकी कठोर तपस्या को कोटि कोटि प्रणाम और आपकी भक्ति और निष्ठा को अनेक अनेक प्रणाम। मैंने आपका प्रणाम स्वीकार किया, अब मुझे जाने दे, मुझे माता ने पुकारा है। अवश्य अवश्य, माता की पुकार सुनने पर जगत के सभी कार्य त्याग कर पुत्र को जाना ही चाहिए, किंतु महर्षि मैं आपके और आपकी माता के मध्य बाधा नहीं बनना चाहता। महर्षि आप मेरी बात सुने। महर्षि तो अब आपका अभिप्राय क्या है? मात्र देवराज इंद्र के षड्यंत्र की सूचना देना, इसी अभिप्राय से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? जिस इंद्र ने आपकी माता और आपके साथ दुर्व्यवहार किया उसी इंद्र के विषय में और उसके षड्यंत्र के विषय में आपको सूचित करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु इंद्र ने किसके साथ षड्यंत्र किया है? राजश्री विश्वामित्र के साथ, जो ब्रह्मऋषि बनने के लिए आप ही के समान कठोर तपस्या कर रहे हैं, किंतु देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को वहां भेजा है। एक तपस्वी को दुष्ट इंद्र के षड्यंत्र से सावधान करना हमारा कर्तव्य है। हम इसी क्षण वहां जाएंगे। नारायण नारायण। रूप सुंदरी ठहर जा, षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे अप्सरा मेनका। एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों ना करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं, क्यों न करूं क्रोध? ऋषिवर शांत हो जाइए। मेनका, इस दिव्य और शांत वातावरण को अशांत करने तुम आई हो और मुझे शांत रखना चाहती हो। ऋषिवर मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई हूँ। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इस क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेनका, तुम्हें अपनी दुर्दशा की चिंता नहीं, इंद्र के आदेश की चिंता अधिक है। स्वाभाविक है ऋषिवर, वे हमारे स्वामी जो है। तो क्या स्वामी का आदेश मानकर तू तपस्वियों की तपस्या को भंग करेगी? किसका क्या रंग होता है क्या भंग होता है ये सोचना मेरा कार्य नहीं है ऋषिवर। मुझे केवल अपने स्वामी देवराज की इच्छा पूर्ण करनी है। मेनका! अपने स्वामी इंद्र की ही भांति तू भी बाहर से नख से लेकर शिख तक सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु भीतर से तुम दोनों ही पाप के भंडार हो। तू एक स्त्री है मेनका, इसलिए हम तुझे भस्म तो नहीं करेंगे, किंतु हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तो तू, तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी। मेनका, इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम
तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। क्रोधित दुर्वासा से शापित होने के उपरांत भी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का अपना हठ नहीं छोड़ा। कारण कि मेनका के लिए देवराज की आज्ञा की अवहेलना करना संभव ही नहीं था। मेनका के लिए दुर्वासा के शाप की पीड़ा से अधिक इंद्र की आज्ञा और अपने कर्तव्य का महत्व अधिक था। अतः वह विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गई।
मनमोहक मेनका, अब तुम्हें मेरी जीवन संगनी बनकर रहना होगा। अब मैं तुम्हें लौटकर स्वर्ग नहीं जाने दूंगा।